और कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरा कंप्यूटर नॉलेज चैनल में, और इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। मैं अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और कोई क्वेश्चन आपके अगर डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको अच्छे तरीके से आपको बताने के लिए, आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया सेटिंग्स के बारे में अगर हम बात करें, तो कंट्रोल पैनल की जो सेटिंग होती है, पहले मतलब सेटिंग में कैसे जाएंगे, तो स्टार्ट मेन्यू में जाके आप कंट्रोल पैनल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग खुल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सेटिंग में जैसे मैंने बताया था कि हम आज हम बात करेंगे पेरेंटल 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 कंट्रोल्स एंड प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के बारे में। तो पेरेंटल कंट्रोल्स में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या देखेगा हमको, यहाँ पर अपना यूज़र, यहाँ पर हम अपने यूज़र अकाउंट बना सकते हैं, कोई पासवर्ड रख सकते हैं, अपने पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ पर हम पासवर्ड रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं तो चेंज यस या नो का, तो मैंने नो कर दिया, मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो व्हाट कैन डू आई विथ पेरेंटल कंट्रोल्स, यहाँ पे दिया गया था वन मोर एडमिनिस्टर, ये छोटा सा इशू बता रहा था, क्लिक टू ऐड पासवर्ड, तो मुझे कोई, हाँ ये पासवर्ड के लिए बता रहा है, तो भाई पासवर्ड सेट कर सकते हो, तो मुझे कोई पासवर्ड सेट नहीं करना है इसमें, सिंपली ठीक है मेरा। ठीक है, गेम रेटिंग सिस्टम है यहाँ पर, तो गेम रेटिंग सिस्टम में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं क्लासीफाई ऑपरेशन बोर्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेटिंग रेगुलेशन, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आती है, आप इस पर क्लिक करके ठीक है अपनी गेम रेटिंग यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो मुझे इससे कोई वो नहीं है, अपन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सीधे कुछ नहीं करना, यूज़र अकाउंट जैसे ये सामने आपको दिख रहा था, जैसे हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो चेंज पासवर्ड, चेंज योर प्रोफाइल, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, जो भी आप फोटो यहाँ पर डालना चाहते हो उस हिसाब से, और ब्राउज़र करना चाहते हो ब्राउज कर लो आप यहाँ से, जो भी आपकी फाइल में डले हो तो उस हिसाब से फोटो चेंज, अकाउंट नेम चेंज करना है कि चेंज अकाउंट टाइप, आप किस टाइप का अकाउंट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अकाउंट टाइप दिया हुआ है स्टैंडर्ड की एडमिनिस्टर, तो यहाँ पर आप वैसे अपना अकाउंट पासवर्ड बना सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए है कि अपना कोई, जैसे हम कहीं कोई प्राइवेट हमारी चीज़ इसमें फाइल में सेव हैं, जैसे हम चाहते हैं कोई हमारे इसमें छेड़खानी ना करे, हमारा बहुत सारा डाटा इसमें रखा हुआ, तो आप यहाँ से यूजर अकाउंट से अपने इसमें क्रिएट पासवर्ड ऑफ योर फॉर योर अकाउंट, तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड बना सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं जो केवल आपको ही पता होगा। ठीक है, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल, तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वही सेम ऑप्शन इसी में दिए हुए हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, अपने एडवांस से यूजर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज इन्वायरमेंट वर्ब्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो अब यूजर अकाउंट क्या होता है, हमने देख लिया कि यूजर अकाउंट होता क्या है, अब हम आगे बात करते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या कहलाता है, स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइज, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कॉन्फिगर योर स्पीच रिकॉग्नाइज एक्सपीरियंस, तो हमारे हम यहाँ अपन कंप्यूटर के साथ एक्सपीरियंस देखते हैं, कंप्यूटर कितनी हमारी स्पीच करते से स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, तो यहाँ पर हम स्पीच देखेंगे कि हमारी स्पीच कैसे चल रही, तो नेक्स्ट पर जाएंगे, हेडसेट का हमें देखना है, तो कैसे यहाँ पर हम ये देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ हेलो हेलो हेलो, तो उस प्रकार से ये अपना स्पीच दे रहा है कि हाँ वॉइस सही रिकॉर्ड हो रही है, सही चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कई बार होता है कि हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, हम कुछ बात कर रहे हैं, किसी टॉकिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है हमारी, कि वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो आवाज़ नहीं आती, यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेटवर्क वॉइस में इशू हो, आपके माइक में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेडफोन में भी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एडवांस ये सेटअप माइक्रोफोन यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ डिवाइस होती है कोई सी भी, तो सेट करना चाहते हैं कि नहीं, तो कौन सा माइक भी सेट करते हैं यहाँ से माइक, ठीक है छोड़, डेस्कटॉप माइक्रोफोन, यहाँ पर हम कई प्रकार से यहाँ सेटिंग अपनी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रेन योर कंप्यूटर टू बेटर अंडरस्टैंड यू, तो अपने कंप्यूटर को ऐसे ट्रेन, ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉइस ट्रेनिंग दी हुई है कि वॉइस ट्रेनिंग की हम कैसे ट्रेनिंग लें, वॉइस की कैसे बोलना है, कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं इसमें कि आप कैसे स्पीच दें, इसमें कैसे बताएं। ओपन द स्पीच रिफरेंस कार्ड, तो यहाँ पर ये प्रिंट होकर जाता है, ये ऑनलाइन है, ठीक है, कि हमारी स्पीच कैसी रही, तो प्रिंट अपने स्पीच का, ये भी बहुत सिस्टम कर दिया है, सिस्टम में विंडो ने सबसे अच्छा किया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट स्पीच है तो इसके लिए कुछ आपको ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक
थैंक यू सो मच, और मैं कोशिश करूँगा अगला और वीडियो अच्छो लाने के लिए।